नमस्कार, मेरे सभी देशवासियों को मेरा सलाम मुबारक नमस्कार जय हिंद जय भारत। आज हमने इसलिए मैं बात करो वो झंडा 15 अगस्त का फाड़ने के लिए लोगों को बोल रहा है, फाड़ने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है कि 1000 रुपये दूंगा, 500 दूंगा, 100 रुपये, हज़ार कम से कम 20-25 लोगों को दिया है। ये बेवकूफ़ यूट्यूबर अपना चैनल चलाने के लिए ऐसी गलती बार बार कर रहा है। एक बार नहीं 10 बार चैनल चलाने के लिए, पेट भरने के लिए अगर ऐसे चैनल कराते होंगे तो मैं उस बेटा पैसे कमाना है या कुछ करना है तो कल जाके तो ऐसा बोलेगा क्या बोलो अभी भैया, आप भी चैनल वाले, मैं भी चैनल वाला हूँ, ये ठीक नहीं किया आपने। जो भी 15 अगस्त को लोग बता रहे कि झंडा फाड़ नहीं तो पैसे दूंगा 2 में से, और वो खुद बोल रहा है बार बार बोल रहा है कि ये फाड़ नहीं तो पैसे दूंगा, और वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा मैं देश की शान है झंडा, देश के लिए 1000 रुपये क्या है, 1 करोड़ नहीं फाड़ूंगा। ऐसे देशवासी गरीब परिस्थिति वाले कोई एक दो बंदे ने बोल दिया कि मैं फाड़ दूंगा पैसे के लिए, शायद उसके दिमाग में क्या था पता नहीं वो बताने के। मगर मेरा ये कहना है वॉकिंग वाला आदमी और यूट्यूब चैनल वाला आदमी ने कैसा रहना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती। और हमको कहना ये गलत है, ऐसा यूट्यूब चैनल ने बोलना नहीं चाहिए था। उसने बार बार आपको चैनल यूट्यूब बनाना है क्या, कुछ भी करके बताएंगे कि लोगों ये कर वो कर। अबे तू तेरा देना है, तुमको देना है पैसा दो, और झंडे का अगर सलाम दोस्त है उसको फाड़ भाई, ये गलत है ना, ये सही नहीं है। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल को गलत लगा। मैं सोचा कि शायद चैनल अच्छा चलता होगा उसका, इसलिए कर रहा, या वो यूट्यूबर जो झंडे का अपमान कर रहा हो चैनल चलाने के लिए, ये यूट्यूबर झंडे का अपमान जरूर हुआ है। वो भलाई बोलता है कि मैं देश का स्वागत करता हूँ, मगर वही ऐसे वीडियो बनाना गलत है। और आपको बोलना चाहता हूँ ये चैनल अगर सही है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो ऐसे वीडियो मत बनाइए प्लीज़। और आपको बताना चाहता हूँ देश महान है, देश के लिए भगत सिंह ने जान दी, भगत सिंह, राजगुरु और सद्गुरु, ऐसे तीन लोगों ने अपनी फांसी पर लगा जान दी, सुभाष चंद्र बोस है, बहुत सारे महात्मा गांधी जी है, हर लोगों ने अपनी जान लगा के लड़े। ऐसे लोगों के लिए हमने यूट्यूब चलाने के लिए या हमारा पेट भरने के लिए तो देखने के बाद कम से कम माफ़ी मांगी है, देश को मांगी है। देश के जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन लोगों को आप माफ़ी मांगना जरूरी है, क्योंकि आपने लोगों को प्रोत्साहित किया, गरीब लोगों को प्रोत्साहित किया, जिनको समझता नहीं था, जो एजुकेट नहीं है, जो अनपढ़ है, उनको बोलते थे आप 1000 लो 500 लो और झंडा फाड़ो। फाड़ो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बोलना था झंडा लेते हैं क्या, पैसे लेते हैं फाड़ने, ये फाड़ बोलना तेरी गलती है, मेरे से छुड़ा है तू, इसलिए मैं बोलता रहा हूँ ये गलत है। ये मेरा चैलेंज है, तेरे को लगता है मेरे को मिल ले, मैं नागपुर में रहता हूँ, आ जा और फाड़ने की बात मत करना, फाड़ना तो हम भी फाड़ सकते सबको, मगर गलती है, गलत किया। और ऊपर से बोलना है कि लोगों को गलत कर रहा, ये गलत है, ये आपका गलत है। 2-3 चैनल वाले ने वैसे ही किया, किसी ने समोसे दिया सब पैसे लिया, अबे तुम्हारा चैलेंज चलाने के लिए आराम करो, तो ये लोगों का दहेज का झंडा फाड़ेंगे तुम, झंडा दहेज का झंडा है, हमारा देश महान है, देश के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी, भगत सिंह से लेके तो आप बताना शिवाजी महाराज से लेके हर लोगों ने देश के लिए कुर्बान दी। और आप लोग बता रहे कि देश का झंडा फाड़ते कि क्या कर, देश के झंडे के लिए लोगों ने जान दी, 1000 लाखों करोड़ लोग मर गए, मगर देश का झंडा गिरने नहीं दिया। आप लोग यूट्यूब चलाने के लिए या 2 पैसे कमाने के लिए ये ऐसे फालतू धंधे कर रहे हैं, धंधा करने तो दूसरा करो, पैसे कमाओ। अरे यूट्यूब बनाने में अच्छे अच्छे क्वालिटी है, मगर पैसा मेरी सॉरी, और मिलना है तो मिल लेना, मैं कभी मिलने के लिए तैयार हूँ, ये गलत है, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, सार्वजनिक माफ़ी मांगो। यूट्यूब चैनल से जैसा चैनल में आपका पब्लिसिटी मिला हुआ वो हिसाब से लोगों को पता नहीं, आपने गलत बात किया, आपने गलत बात, लोगों ने गलत बात किया, आपने बोला झंडा फाड़ बार बार बता रहा, क्या जरूरत है बार बार बताने की, ये गलत है। मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, देश माफ़ नहीं करेंगे आपको, और देश नहीं माफ़ करेगा, देश के अगर कोई कानून कायदा होगा, पुलिस FIR होंगी तो आप पर FIR होना चाहिए, क्योंकि आप देश को प्रवृत्ति कर रहे थे, मगर आपने यूट्यूब चैनल से ये गलत किया, और बोलना नहीं था आपने, बोलना था जी ले नहीं तो वो ले, बस इतना ही बोलना है। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।